हेमंत भाई, हेमंत भाई। हाँ छोटे, बता भाई। मुझे भी आपके जैसे फैक्ट वीडियो बनाना है भाई। अरे वाह यार, फैक्ट वीडियो बनाना है, बनाना तो फिर। लेकिन भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं फैक्ट वीडियो बनाऊँ कैसे, वॉइस डबिंग कैसे करूँ, एडिटिंग कैसे करूँ, और टॉपिक कहाँ से लाऊँ। भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। अच्छा, मेरे जैसे बनाना है, एकदम ईजी है, एकदम सरल है, एक घंटे में 2-3 तो आराम से बना ही सकता है, बना बना। प्लीज़ हेमंत भाई, प्लीज़ बता दो भाई, बता दो। मैं भी आपके जैसे फेक वीडियो बनाना चाहता हूँ भाई। भाई आपने 25-26 दिन में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हो भाई। प्लीज़ भाई, मुझे भी आपके जैसे फेक वीडियो बनाना है, मुझे भी सब्सक्राइबर चाहिए भाई। प्लीज़ भाई, प्लीज़ बता दो भाई, बता दो प्लीज़ यार, प्लीज़। तो ठीक है, मैं तुझे बताऊंगा, तो सब चीज़ को एकदम ध्यान से सुनना पड़ेगा और उस चीज़ को तुझे फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद तुझे कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। तो एक काम कर, तू एक एक करके पूछता जा, धीरे धीरे बताता जाऊंगा, उसे समझते भी जाना, उससे तेरा ही बेनिफिट होगा। बहुत ही अच्छा से तू फैक्ट वीडियो बना सकता है यदि इस चीज़ को समझ गया और इस चीज़ को फॉलो करता है तब। तो हेमंत भाई, सबसे पहले आप बताओ, आप जो फैक्ट वीडियो बनाते हो तो उसके लिए टॉपिक कहाँ से ढूंढते हो, कहाँ से आप जो है सर्च करते हो कि आपको वो टॉपिक मिलता है? अच्छा, फैक्ट वीडियो के लिए टॉपिक कहाँ से लाए? यार टॉपिक ढूंढना बहुत ही आसान है। देख, टॉपिक ढूंढने के लिए तुझे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सीधा तू क्रोम पे जाना, क्रोम पे सर्च करना जिसके रिलेटेड तू वीडियो बना रहा है। जैसे कि मैं बनाता हूँ कि वर्ल्ड का टॉप अमेजिंग फैक्ट, भारत का टॉप अमेजिंग फैक्ट, तो बस यही चीज तुझे जो है अपने क्रोम पे सर्च करना है। यदि हिंदी में सर्च करेगा तो हिंदी में टॉपिक आएंगे, इंग्लिश में सर्च करेगा तो इंग्लिश में आएगा। तो हमेशा हिंदी में जो है सर्च करने की कोशिश करना। यदि विज्ञान के बारे में बताना चाहता है या बनाना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग तू सर्च करना कि विज्ञान के अमेजिंग फैक्ट, अंतरिक्ष के अमेजिंग फैक्ट, वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट, भारत के अमेजिंग फैक्ट। इस प्रकार से सर्च करेगा, बहुत सारे टॉपिक तुझे मिल जाएंगे, उसमें से जो तुझे मन करता है वो टॉपिक उठाना और उसमें वॉइस डबिंग कर देना। ठीक है हेमंत भाई, ठीक है, ये टॉपिक वाला बात मुझे समझ आ गया। अब भाई मुझे एक बात और बताओ, ये वाला बात बताओ कि वॉइस डबिंग, जैसे कि हम लोग, जैसे आपके शॉर्ट वीडियो मैंने देखा उसमें आपके अच्छे वॉइस डबिंग होते हैं, तो मुझे भी आपके जैसे सेम वॉइस डबिंग करनी है, तो आप मुझे बताओ कि मैं वॉइस डबिंग कैसे कर सकता हूँ, कौन से एप्लीकेशन में कर सकता हूँ? अच्छा, वॉइस डबिंग। हाँ, वॉइस डबिंग तेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि तेरे वीडियो पे तेरा वॉइस का क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा, यदि तेरे बोलने का तरीका अच्छा नहीं रहेगा, तो कोई भी तेरा फेक वीडियो नहीं देखेगा। तो सबसे पहले तू अपने वॉइस को अट्रैक्टिव बनाना है, सबसे पहले अच्छे से एप्लीकेशन को यूज़ करना है तुझे जिसमें तेरा वॉइस हो जाए। तो फेक वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले अपनी वॉइस की डबिंग करना सीखो। जब अपनी वॉइस डबिंग हो जाए ना, उसके बाद ही तुझे क्लिप लाके इसमें ऐड करना है अपने वॉइस के हिसाब से। तो जब भी फेक वीडियो बनाओ ना, तो सबसे पहले अपने वॉइस को डबिंग कर लो, उसके बाद उसके हिसाब से, अपने वॉइस के हिसाब से वहां पर वीडियो क्लिप या फिर इमेज क्लिप को लाके कर सकता है। अब देख, मैं यूज करता हूं काइन मास्टर वॉइस डबिंग के लिए, मैं काइन मास्टर यूज करता हूं। आप लोग काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग के लिए करते होंगे, लेकिन मैं काइन मास्टर सिर्फ वॉइस डबिंग के लिए यूज करता हूं। अब देख, काइन मास्टर के यूज कैसे करना है, तो काइन मास्टर में तुझे एक जो है बैकग्राउंड ले लेना है, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड को तू 1 मिनट तक बढ़ा सकता है, बढ़ा के रखना। उसके बाद इसमें देख, वॉइस वाला एक ऑप्शन आ रहा है, इसको जैसे क्लिक करेगा ये चलना स्टार्ट हो जाएगा और उसी के हिसाब से तुझे बोलना है। तो देख, यहां पर मैंने एक जो है अपने फेक वीडियो को एडिट किया था सिर्फ वॉइस को, तो देख मैंने वॉइस को कैसे यहां पर डबिंग कर रखा है, सेम इसी प्रकार से तुझे भी करना है। जब अपने वॉइस को डबिंग करना हो ना, तो एकदम जोश में बोलना कि भारत के 4 नए अमेजिंग फैक्ट, जानने के लिए तैयार हो जाइए, इस प्रकार के तुझे बोलना है, ताकि तेरा जो वॉइस है वो लोगों को अच्छे पसंद आए। अगर ऊंचा आवाज में बोलेगा तो तेरा वॉइस जो है बहुत अच्छा लगेगा। यदि नॉर्मल में बोलेगा कि भारत के 4 नए अमेजिंग फैक्ट, जानने के लिए तैयार हो जाए, इस प्रकार के वीडियो मत बनाना। जब भी वॉइस डबिंग करना हो तो अपने एकदम हाई लेवल रखना, उसके हिसाब से जो है वॉइस डबिंग करना। तो देख, यहाँ पर मैंने जो भी वॉइस डबिंग कर रखा है ना, देख कितना क्लिप, छोटा छोटा क्लिप कर करके कर रखा है, सेम इसी प्रकार से तुम्हें भी और आपको भी करना है। ठीक है हेमंत भाई, मैं वॉइस डबिंग अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन से करूँगा। अब मुझे ये बताओ कि उस जो फैक्ट वीडियो है उसके लिए हम फोटोज कहाँ से लें, वीडियो कहाँ से लें? अच्छा, फोटो और क्लिप कहाँ से डाउनलोड करें? तो देखो, फोटो और क्लिप डाउनलोड करने के लिए ना एक एप्लीकेशन आता है इमेज डाउनलोडर करके, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और जिस रिकॉर्डिंग में फेक वीडियो बना रहा है उस चीज़ को वहाँ पर तुझे सर्च करना है, उसके रिकॉर्डिंग बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे, उसको यूज़ कर लेना है। जो भी तुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरा जो फेक वीडियो में मैच खा रहा है, उस चीज़ को तुझे डाउनलोड कर लेना है और उस चीज़ को तुझे फेक वीडियो में अप्लाई करना है। अब रही बात फ्री क्लिप कहां से लें, तो देख फ्री क्लिप तुझे क्रोम पे ही मिलेगा। यदि क्रोम पे जाओगे, वहां पर सर्च करोगे फ्री क्लिप करके, तो बहुत सारे यहां पर देख सकते हो इस टाइप का वेबसाइट आएगा, यहां से डाउनलोड कर सकता है एकदम फ्री, बिल्कुल कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई भी स्ट्राइक नहीं आएगा। इस चीज को अपने फेक वीडियो पे यूज कर सकते हो एकदम बिल्कुल फ्री। ठीक है हेमंत भाई, हेमंत भाई आपने वॉइस डबिंग का बता दिया, मुझे फोटो डाउनलोड करने के बारे में बता दिया, टॉपिक के बारे में बता दिया। अब मुझे एक बात और बता दो कि मेन जो हमारा फेक वीडियो होता है उसको एडिट कहां पर करें?
हाँ, अब ये भी चीज एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अब एडिटिंग किस में करना है। तो काइंड मास्टर मैं तुझे वॉइस तो बता दिया, अब एडिटिंग करने के लिए आपके पास VN एप्लीकेशन होनी चाहिए और मैं VN एप्लीकेशन से ही एडिटिंग करता हूँ। वॉइस डबिंग मैं काइंड मास्टर से करता हूँ, लेकिन मैं एडिटिंग इस एप्लीकेशन से करता हूँ, एकदम सरल लगता है। तो जैसे कि मैं आपको एक जो है बताता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो है कुछ फैक्ट वीडियो को अपना जो है एडिट कर रखा है। तो सबसे पहले मैंने वॉइस को जो है वहाँ से निकाल के यहाँ पर ऊपर में लगा दिया है और नीचे में बारीक बारीक मैंने जो है इमेज को लगा दिया है। तो वो उसी करना है, देख इमेज डाउनलोड करेगा तो इमेज को तुझे VN एप्लीकेशन में एडिट करना है। VN एप्लीकेशन, हाँ भाई वो मैं चलाता हूँ, मैं यूज करता हूँ, मेरे मोबाइल पे है। और VN एप्लीकेशन एकदम सरल है, एकदम इजी है, यूज कर सकते हैं, इफेक्ट दे रखा है और अपने फोटो के इधर उधर ऐसे ऐसे घुमा सकते हो। तो ये VN एप्लीकेशन में सारा चीज का फीचर है, डाउनलोड कर लेना। इसमें आप एकदम आसानी में आधे घंटे में तो करीबन दो ही तो बना दोगे आराम से, और आपको जो है डबल ट्रिपल ऐसे करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके VN एप्लीकेशन में एक फेक वीडियो बन गया, जब आप दूसरा बना रहे हो तो उसी चीज को कॉपी करके आप इसमें कर सकते हो। इसमें बस रिप्लेस करना होता है, फोटो को रिप्लेस करना पड़ेगा, आपको वॉइस को रिप्लेस करना पड़ेगा, बाकी जो आपके इफेक्ट रहेगा वो सेम रहेगा। ऐसा कर सकते हो और इस प्रकार से आप एक घंटे में 3-4 आराम से कर ले सकते हो। और भाई इसी प्रकार से तू 3-4 आराम से एक घंटे में बना सकता है यदि वॉइस डबिंग जितनी जल्दी करेगा। यहां पर एडिटिंग तेरा तो 10 मिनट में हो जाएगा, तो बस वॉइस डबिंग में एकदम ध्यान रखना और उसमें कॉन्फिडेंस रखना जब भी बोलना है। तो देख छोटे, मैं तुझे एकदम सरल तरीके से बता दिया कि फेक वीडियो कैसे करना है, वॉइस डबिंग कैसे करना है, फोटो डाउनलोड कैसे करना है और वॉइस वर्क सब चीज़ के बारे में एकदम बता दिया है। यदि आप मेरे बात को समझ गए होंगे तो आप भी सिर्फ एक घंटे के अंदर में 3-4 आप जो है आराम से कर सकते हो यदि आप स्पीड पे काम करते हो। और मैं करता हूँ, एक घंटे में मैं 3-4 जो फेक वीडियो आराम से क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप भी कर सकते हो यदि आप मेरे टिप्स को फॉलो करोगे, मेरा जो रूल्स है उसको फॉलो करोगे, तो आराम से आप भी 5-6 भी बना सकते हो। तो चल छोटे, तू बता कि मैं तुझे क्या क्या प्रोसेस बताऊं, चल बारीक बारीक बता मुझे। ठीक है अमन भाई, आपने जो भी बताया मुझे समझ आ गया। सबसे पहले टॉपिक मैं क्रोम से उठाऊंगा, जो मेरा मन करेगा वो टॉपिक मैं उठाऊंगा। साथ में वॉइस डबिंग के लिए मुझे काइंड मास्टर यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद मैं फोटो डाउनलोड करूंगा या वीडियो डाउनलोड करूंगा। उसके बाद मुझे VN एप्लीकेशन से करना है, मुझे सारा चीज समझ में आ गया। थैंक यू सो मच हेमंत भाई। ठीक है छोड़ो, इस बात को ध्यान रखना और इस बात को हमेशा से फॉलो करना। जैसे मैंने 25-26 दिन में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया ना, ये आप भी कर सकते हो। एक महीने में आप 1000 क्या 5000 10000 मिलियनों तक ले जा सकते हो यदि आपके वीडियो वायरल हो गए तब। और आपको फेक वीडियो ऐसा बनाना है पेशेंस करके, जैसे कि आप 3-4 क्वेश्चन बोल रहे हो तो उसके बीच में आपको एक ऐसा वर्ड बोलना है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यदि आपको अपने भारत देश से प्यार है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। इस प्रकार से आपको भी अपनी फेक वीडियो में डालना है, जिससे क्या होता है ऑडियंस का जो है अट्रैक्शन बढ़ता है, वो लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है। और इसी प्रकार से मैंने सिर्फ 20 से जो है 25 दिन के अंदर में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया है और अभी 1000 से प्लस भी हो गया है। भाई आपने इतनी जल्दी इतनी कम समय में फेक वीडियो बनाने का बेहतरीन तरीका बताया है, उसके लिए आपको थैंक यू सो मच। तो छोटे, पेशेंस रख के काम करना, एकदम मेहनत करना, अच्छे से टॉपिक देना और हमेशा वीडियो डालना, एक ना एक दिन तू सक्सेस होगा, जरूर होगा। ये मत सोचना कि आज व्यूज़ नहीं आ रहा है तो मैं छोड़ दूँ, ऐसा मत सोचना। हमेशा मोटिवेट होकर रहना, जिस दिन तू मोटिवेट होगा समझ जाना उस दिन से तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। यदि तुझे तेरे काम में कोई भी परेशानी या तकलीफ नहीं आती ना, तो तू समझ जाना कि वो काम एकदम बेकार है। जब तेरे काम में परेशानी नहीं आएगा तो वह काम बेकार है, उसको मत करना। यदि उस काम में तुझे मन नहीं लग रहा है, तुझे उसमें जो है डिमोटिवेट फील हो रहा है ना, वही आगे तुझे सक्सेस दिलाएगा। तो ये बात को ध्यान रखना। चल बाय बाय। ठीक है अमन भाई, चलता हूँ, बाय बाय।